इमरान खान साहब मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था जो उनकी फास से हुई है दिलाजारी ठीक है मेरी तरह से फारूक साहब आप नहीं बताना चैन बहुत शुक्रिया जरूर बता दें वेरी गुड थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन जोया ऑफिशियल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की जानिब से अपने किए पर माफ़ी मांग ली गई है और अदालत में जो है वो तहरीरी जो बयान है वो भी जमा करवा दिया गया है। किस बात पर माफ़ी मांगी गई है, क्यों माफ़ी मांगी गई और इमरान खान ने क्या बयान दिया था वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इमरान खान ने अपने एक ऑनलाइन खिताब में ये बयान दिया था कि वो इस अपने जो हैं वो बयानात में जो है वो हायल होने वाले किसी भी शख्स को जो है वो नहीं छोड़ेंगे और उन पर मुकदमात करवाए जाएंगे। तो उन्हीं अफराद में जो है वो एक खातून जज भी थी जिस पर इमरान खान की जानिब से काफ़ी वार किए गए थे। तो उस पर जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर अगर देखें तो पिछली समात पर जो चीफ जस्टिस हैं अथर मनीला उनकी जानिब से ये कहा गया था कि आपने चूँकि अपने पूरे तहरीरी बयान में कहीं भी माफ़ी का जिक्र नहीं किया तो आप पर जो है वो 14 दिन बाद जो है वो फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन आज जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत में पेश हुए हैं तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि मैं जो है वो मुकम्मल तौर पर उन खातून जज से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जो कि रेड लाइन को अबूर करती हो। तो इस हवाले से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुकम्मल तौर पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस अथर मनीला की जानिब से ये कहा जाता है कि आप ने जो है वो एक बहुत अच्छी बात की है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो आपके इस बयान को जो है वो हम सराहते हैं। तो आज आप पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जाती, इसलिए जो है वो इस केस की समाअत को जो है वो 3 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी भी कर दिया गया है। इस हवाले से जो है वो समाअत के दौरान इमरान खान की जानिब से ये भी कहा जाता है कि मैं उस खातून से जो है वो माफ़ी मांगूँगा और ये भी बयान दिया गया कि मैं जो है वो ना तो मेरी जानिब से और ना ही मेरी पार्टी की जानिब से जो है वो उस खातून जज को जो है वो किसी भी किस्म का नुकसान होगा। तो इस हवाले से जो है वो अब केस की समाअत जो है वो 3 अक्टूबर तक मुलतवी हो चुकी है और इस हवाले से कोई भी अगर पेशरफ्त आती है तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से इमरान खान की जानिब से बयान दिए जाते थे तो अब उन पर जो है वो एक बार फिर यू टर्न लिया गया, बल्कि ये मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा किया गया है। हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो हमें नहीं करना चाहिए और इंसाफ के इदारे जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं और बाकी जितने भी फाजिल जजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इमरान खान की जानिब से माफ़ी मांग कर जो है वो एक अच्छा जो है वो मुजाहरा किया गया है। तो इस हवाले से जो है वो अब मज़ीद कोई बात आती है तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक अपने मेज़बान हसन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।